बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। B&H रेस्टोरेंट जो बहुत ज़्यादा मशहूर है चाइनीज़ खानों के लिए और फास्ट फूड खानों के लिए, और इसका एड्रेस है मेन शिप ऑनर कॉलेज, नॉर्थ नज़ामाबाद, कराची। आज हम आपको B&H रेस्टोरेंट में एक और मज़ेदार किस्म की रेसिपी सिखाने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके। आज हम आपको B&H रेस्टोरेंट में शेफ़ कशफ के साथ सिंगापुरियन राइस बताएंगे किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका अपना शेफ कशफ, एक बार फिर हाजिर हुआ मैं आपकी खिदमत के अंदर। मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ सिंगापुरी राइस, सिंगापुरी राइस किस तरीके से बनते हैं। ये जुलियन चिकन काट के रखा है मैंने ब्रेस्ट का शेडिट। ये सिंगापुरी की सब्जी है, नूडल्स, स्प्रिंग ऑनियन, कैप्सिकम, कैबिज, कैरेट। अब किस तरीके से कुक होता है ये मैं आपको बताऊंगा। लेंगे हम 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक, गार्लिक के साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें चिकन, चिकन को सोते करेंगे गार्लिक के साथ हम। अच्छी तरीके से सोते करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चिल्ली पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, केचप 3 टेबल स्पून, लाइट सोया सॉस 1/2 टेबल स्पून। इसके अंदर इसके स्पाइसेस यूज करेंगे, सॉल्ट हसबे जाएगा, जीरा लिया है मैंने 1/2 टी स्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टी स्पून, चिकन पाउडर 1/2 टी स्पून। अब इसके अंदर ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल देंगे, नूडल्स, इसको अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। इसको थोड़ा जूसी बनाएंगे ताकि राइस के साथ खाया जाएगा तो थोड़ा टेस्ट आए राइस के अंदर इसका। देखिए थोड़ा जूसी हो गया ये। अब इसका सॉस किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ये सिंगापुरी का सॉस बता रहा हूँ आपको कि सिंगापुरी का सॉस किस तरीके से बनता है। ये मायोनीज लिया है मैंने 4 से 5 टेबल स्पून। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ मैं, इसमें मैं ऐड करूँगा वाइट पेपर, इसके अंदर ऐड करूँगा मैं रेड चिली 1/2 टी स्पून, केचप इसमें ऐड होगा 3 टेबल स्पून, और इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस जो इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर वो यूज़ होगा 1/2 टेबल स्पून, जीरा ऐड होगा इसके अंदर 1/2 टी स्पून, और इसको मिक्स करेंगे आप।
अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लीजिए। रेडी है आपका सिंगापुरी सॉस। तैयार है आपका सिंगापुरी राइस। पानी भरो। जी व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की आपको रेसिपी सिंगापुरियन राइस की पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।